जानते हैं पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे तो उन्होंने अपनी बंधुआई में परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़ी और इसी कारण परमेश्वर ने एक बड़े भूकंप के साथ बंदी गृह को हिला दिया और उन्हें आजाद किया। तो आइए हम दिल से नाचते हुए उसकी आराधना में चलते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के गीत गाओ, उसके नाम के भजन गाओ, उसका धन्यवाद करो, दस तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। तो आइए हम अपने हाथों को उठाकर उस महान परमेश्वर की आराधना में चलते हैं। तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर, तेरे नाम से मिलती है शक्ति, तेरे नाम से मिलती है। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, अगर आपके हाथों में ऑफरिंग टाइट है तो अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। तेरे नाम से मिलती है शक्ति, तेरे नाम से मिलती है मुक्ति, तू है पालनहारा, तू है सृजनहारा, तू है तारणहारा, तू है पवित्र, तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर, तू है पवित्र, पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र शक्तिमान, यीशु मेरे,
तेरे नाम से मिलती है मुक्ति। तू है बाल विहार,
अपने हाथों को उठाओ। इमरजेंसी सेक्शन, खुदावंद का आत्मा कह रहा है कि वो व्हील चेयर वाले रोगियों को चंगा कर रहा है इसी वर्षिप के दौरान, और मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो व्हील चेयर के रोगियों से उठ जाओ अभी। शिकंजों के रोगी, व्हील चेयर के रोगी, अधरंगी, सब यीशु मसीह के नाम में उठो, यीशु मसीह के नाम में खड़े हो जाओ और यीशु मसीह के नाम में चलो अभी। तुम्हारे टखने, तुम्हारी टांगे, तुम्हारी बाजुएं बल को ग्रहण करें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। चाहे बरकतें तुम्हारी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बीमारों को हुक्म देता हूं चंगे हो जाओ, रसौलियां गायब हो जाए, पथरियां गायब हो, कैंसर गायब हो, दर्दे गायब हो, डिप्रेशन गायब हो, शैतान निकले इस वर्षिप में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से देख रहा हूं, खुदावंद का रूह कह रहा है उठाओ और खड़ा करो, व्हील चेयर के रोगी चंगे हो रहे हैं, उठाओ और खड़ा करो, अधरंगियों को वो चंगे हो रहे हैं, जिनकी नसें दबी हुई हैं चल नहीं पाते वो चंगे हो रहे हैं। यीशु मसीह का आत्मा तुम्हें छू रहा है राइट नाउ, और जितने लोग छुटकारा चाहते हैं वर्शिप करेंगे और परमेश्वर का आत्मा को आजाद करेगा। अपने हाथों को उठाते हुए तेरे नाम से खुदावंद का आत्मा जो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, खुदावंद का रूह कह रहा है ऑयल लगाओ उन पे, स्किन के रोगियों के ऊपर ऑयल लगाओ, डिप्रेशन के रोगियों के ऊपर जो पागल है, संकलों से बंधा हुआ है, रस्सियों से बंधा हुआ है, उस पर ऑयल लगाओ और प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम में सारे बंधन टूट जाए, यीशु मसीह के नाम में सारी बीमारियां निकल जाए, यीशु मसीह के नाम में शैतान चला जाए, यीशु मसीह के नाम में शैतान के सारे बंधन टूट जाए, टूट जाए यीशु की आग से। परमेश्वर का आत्मा अगर वो यूथ को आजाद कर रहा है डिप्रेशन से, डिप्रेशन के रोगी आज आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं, तुझे डिप्रेशन का रोग है और इसका कारण ये है कि तेरे मुंह के नीचे लोअर बॉडी में तेरे स्किन की प्रॉब्लम होती तुझे, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शैतान तुझे डिप्रेशन में लेके जा रहा है इस प्रॉब्लम के कारण, और तू बहुत ओवरथिंक करती है, और परमेश्वर का आत्मा तुझे फ्री करेगा आज। तू अनमैरिड है और मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा तुझे छूते हुए, तुझे आगे आना होगा और मैं देख रहा हूं परमेश्वर की आत्मा तुझे आजाद करेगी आज अभी। यीशु मसीह के नाम में हाथों को उठा लो, छुटकारा देने वाला परमेश्वर यहां मौजूद है, वो आपके फैमिली को छुटकारा दे रहे हैं आज और अभी, आपके फाइनेंस को छुटकारा दे रहे हैं आज और अभी, आपके माइंड को छुटकारा दे रहे हैं आज और अभी। आमीन। मेरे को ऊंचे बोलना चाहिए, तू है महान यीशु राजा, तू सर्वशक्तिमान मीटिंग में जितनी बांझ पहने हैं, यीशु मसीह का आत्मा तुम्हारे गर्भ को खोल रहा है। अपने गर्भ पे हाथ रखो, पेट पे हाथ रखो और आमीन बोलकर रिसीव करो इस ब्लेसिंग को यीशु मसीह के नाम में। तुम आ रही हो अपनी टेस्टिमनी के साथ, तुम आ रही हो अपनी बेटी की टेस्टिमनी के साथ, अपने बेटे की टेस्टिमनी के साथ। खुदावंद का आत्मा उनको छू रहा है राइट नाउ, खुदावंद का आत्मा तुम्हें टच कर रहा है राइट नाउ, वो तुम्हारे गर्भ को ओपन कर रहा है अभी। रिसीव कर लो आमीन बोल के, रिसीव कर लो आमीन बोल के, रिसीव कर लो।
तेरे नाम से मिलती है शक्ति, ओ तेरे नाम से मिलती है शक्ति, ओ तेरे नाम से मिलती है शक्ति, तेरे नाम से मिलती है मुक्ति। अपने हाथों को उठाओ, जितने लोग राइट नाउ परिवारों में मुक्ति को वेट कर रहे हैं अपने बेटे की सालवेशन के लिए, अपनी बेटी की सालवेशन के लिए, अपने माता पिता की मुक्ति के लिए, यीशु मसीह का मुक्ति का आत्मा तुम्हारे परिवारों में कार्य करे। इस साल बहुत सी रूहें बचाई जाएं, तुम्हारे बहुत से रिश्तेदार मसीह में होंगे इस साल, तुम्हारा परिवार के बहुत से मेंबर मसीह में होंगे जो नहीं है, बहुत से लोग मसीह में होंगे जो नहीं है, खुदावंत का आत्मा करे तुम्हारे मित्र मसीह में होंगे, यीशु के नाम में आमीन बोलो। खुदावंत का आत्मा करे तुम्हारा बॉस तुम्हारा स्टाफ मसीह में होगा, खुदावंत का आत्मा करे तुम्हारे डिपार्टमेंट के लोग मसीह में होंगे, खुदावंत का आत्मा करे बहुत से राजनीति वाले लोग मसीह में होंगे, खुदावंत का आत्मा करे वो तुम्हें इस्तेमाल करेगा बड़े बड़े कामों के लिए, बड़ी बड़ी रूहों को बचाने के लिए। रिसीव करो ब्लेसिंग को अपने हाथों को उठा के। राइट नाउ मैं परमेश्वर की आत्मा को देख रहा हूँ, जो प्रेयर लाइन में लोग खड़े हैं, जो और हॉस्पिटल लाइन में खड़े हैं, खुदावंत का आत्मा आपको छू रहा है। जरूरी नहीं आप वेट करेंगे ले हैंड की, आपको कॉलर्स लगे हैं, बेल्ट्स लगी हैं, अपने हाथ उन पर रखो इस वर्शिप के दौरान, और परमेश्वर की डिलीवरेंस आप पे आ रही है राइट नाउ, और आप छूट रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। याद रखो लाइफ की तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पवित्र आत्मा का अभिषेक है, और इस वर्शिप के दौरान मैं देख रहा हूं यूथ के ऊपर, लोगों के ऊपर, आपके ऊपर, ऑनलाइन ब्रांचेस के ऊपर परमेश्वर का जो अभिषेक है, उसकी जो अनॉइंटिंग है वो यूथ के ऊपर आ रही है राइट नाउ। जब ये वर्शिप चलेगी परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छुएगा, अपने आप को कंट्रोल नहीं करना, अपने आप को खुला छोड़ दो, और मैं परमेश्वर की आत्मा को आपको छूते हुए देख रहा हूं और आपको भरते हुए देख रहा हूं। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी इस वर्षिप के बाद, मैंने कहा आपकी लाइफ सेम नहीं होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब हम वर्शिप करेंगे, लगातार करेंगे, टेस्टमनी शुरू नहीं करेंगे जब तक 10 मिनट 15 मिनट नहीं हो जाते, ताकि जितना यूथ है इस वर्शिप के दौरान खुदावन का आत्मा हमारे साथ है और वो आपको भर रहा है अपने अभिषेक से और अपनी ताकत से। और याद रखो तुम्हारे डिप्रेशन से बाहर निकलने की दवाई खुदावन का अभिषेक है, तुम्हारी शर्मिंदगी से बाहर निकलने की दवाई खुदावन का अभिषेक है, तुम्हारी बढ़ोतरी के लिए तुम्हें खुदावन का अभिषेक चाहिए। खुदावन का अभिषेक आएगा तो वो तुम्हें सुरक्षित रखेगा, शैतान को शर्मिंदा रखेगा, तुम्हारे रास्तों को ओपन करेगा। वचन कहता है वो अभिषेक जो तुम्हारा किया गया वो तुम्हें सब बातें सिखाता है, वो तुम्हें सिखाएगा भी, तुम दूसरों से अधिक बुद्धिमान होंगे इन जीसस ने। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे भाइयों के मध्य में तुम्हारा अभिषेक करूंगा, उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हारे भाइयों के मध्य में तुम्हें बहुत सा पैसा दूंगा, तुम्हारी बहुत सी बरकत दूंगा, तुम्हें बहुत सी जमीन दूंगा, उसने कहा मैं तुम्हारे भाइयों के मध्य में तुम्हारा अभिषेक करूंगा, क्योंकि जब अभिषेक आ जाएगा सब चीजें उसके पीछे आ जाएंगी, अभिषेक को ये फॉलो करती हैं। अपने हाथों को उठाओ जिनको अभिषेक चाहिए, और वर्शिप के दौरान खुदावंत का आत्मा पे उतरेगा
और आप अभिषेक से भरेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यीशु के नाम में भर जाओ, भर जाओ। जो लोग मेरे आसपास खड़े हैं आंखों को खोल के, ये ग्रुप पीछे कर दो इनको, ये ग्रे लड़का पीछे करो इसको, बिल्कुल पीछे कर दो इनको, पूरा ग्रुप जो बिल्कुल आंखें खोल के खड़ा है उनको पीछे कर दो, ताकि लोगों पे आत्मा उतरे, पीछे कर दो। अपने हाथों को उठाओ, तुम सेम नहीं हो इस अभिषेक से भरने के बाद। मैंने कहा तुम सेम नहीं हो इस अभिषेक से भरने के बाद। पहले से ज़्यादा अभिषेक आज कुछ भी, वो दुगना दुगना पहले से ज़्यादा अभिषेक आज कुछ भी। खुदावंद का रूह कह रहा है गैर भाषा में बातें करो, गैर भाषा में बोलो, अभी उतर जाएंगे आप पे बोल। लाहौर अमा नखा सांते जो ब्रांचेस मौजूद हैं ओवरसीज, खुदावंद आत्मा तुम्हें गैर भाषा से भर रहा है। मेरी बेटी मेरी बहन, खुदावंद आत्मा तुम्हें गैर भाषा से भर रहा है अभी। लाब्रो मासु मरियांदा नाथिया लाहू लाहस्ते इको तो बोलो लाब्रो मासा बसा का बसांदा मुझे तेरी रूह से कि मैं भर सकूं बहुत तेरे। भर जाओ यीशु के नाम में, दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझे, वो दुगना दुगना पहले से ज्यादा वो तुम्हें भर रहा है करंट के साथ और अपनी अनॉइंटिंग के साथ और अपने अभिषेक के साथ। और तुम सेम नहीं हो यीशु मसीह के नाम, मैंने कहा तुम सेम नहीं हो यीशु मसीह के नाम, सेम नहीं हो यीशु मसीह के नाम, सेम नहीं हो। हूँ बहू तेरे जैसे, ओ अभिषेक
अभिषेक होगा तो तुम सेम नहीं होगे। यूथ अभिषेक होगा तो तुम डिप्रेशन के नीचे नहीं रहोगे, फेलियर के नीचे नहीं रहोगे, अनॉइंटिंग के नीचे रहोगे तो सक्सेसफुल रहोगे। यीशु मसीह के नाम में अम्मा तुम्हारे सिरों के पर उतरे, आज तुम्हारी जीवनों के पर उतरे, आत्माओं में ठहर जाए। आमीन ऊंचाई बरकत तुम्हारी, मैंने कहा आमीन ऊंचाई बरकत तुम्हारी है। हालेलुया हालेलुया।